नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। शाम के 7 बज गए हैं और अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की मुख्य खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की ओर से आज अपने कैंप ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान फरियादियों की कई सारी समस्याएं सुनी गई। बता दें कि हल्द्वानी शहर में अनाधिकृत तरीके से ब्याज का काम करने वालों पर अब कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत कड़ा शिकंजा कसने जा रहे हैं। कमिश्नर दीपक रावत ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उनके द्वारा कुमाऊं के सभी डीएम और एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि अनाधिकृत तरीके से ब्याज पर पैसा देने वालों को चिन्हित किया जाए ताकि उनके कानूनी कार्रवाई की जा सके। समस्त प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं बेला तोलिया, जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल। समस्त क्षेत्रवासियों को उत्तराखंड के लोक पर्व उत्तरायणी पर्व की, मकर संक्रांति, लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। हल्द्वानी नैनीताल रोड चौड़ीकरण नोटिस जारी होने के बाद व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारी अलग अलग तरीकों से धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन पर अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगा रहे हैं। नैनीताल रोड से अतिक्रमणकारियों को अपने अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक बार फिर से लालडार सड़क चौड़ीकरण के जद में आ रहे 38 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अन्य व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। आप सभी शहरवासियों को जंगल फिस्टा परिवार की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं ये साल आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। और हल्द्वानी के गैस गोदाम रोड में स्थित जंगल फिस्टा एक मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है। यहाँ आपको वेज और नॉन वेज खाने की कई तरह की वैरायटीज मिलती हैं और स्वाद के साथ जो इस रेस्टोरेंट की बाकी जगहों से अलग बात है वो है यहाँ का थीम। जी हाँ, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि रेस्टोरेंट जंगल की थीम पर बना हुआ है, तो आप भी आइए और अपने परिवार के साथ कुछ सुकून के पल एक बार यहाँ जरूर बिताइए। तो आइए कभी जंगल फिस्टा। हल्द्वानी में कांग्रेस के स्वराज आश्रम में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नैनीताल लोकसभा के लिए चुनाव समन्वयक बनाए गए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष सहित सभी ब्लॉक अध्यक्षों, महानगर अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पदाधिकारी ने पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी अपनी राय लोकसभा समन्वयक के समक्ष रखी। इस दौरान कई पदाधिकारी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने अपने सुझाव दे रहे थे। और लोकसभा समन्वयक गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुट गई है और चुनाव तक होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जा रही है। नैनीताल के एसएसपी पहला नारायण मीणा के निर्देशन में मिशन ड्रग फ्री देवभूमि 2025 को साकार करने के लिए नैनीताल पुलिस के जरिए अवैध नशे के तहत एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके चलते बीती रात एसपी सिटी हरबंस सिंह, एसओ संगीता के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष काठगोदाम और की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर काठगोदाम के हेड़ाखान क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को 1 किलो 50 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। और साथ ही अभियुक्त के खिलाफ थाना काठगोदाम पर FIR दर्ज कर कई धाराओं के तहत NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं शहर के बनभूपुरा थाना क्षेत्र से इंद्रनगर उपखनिज निकासी गेट कार्यालय में चोरी के बाद आज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वाला रेंज के वन दरोगा गणेश पांडे के मुताबिक इंद्रनगर उपखनिज निकासी गेट पर वाहन स्वामियों को रसीद काट कर दिए जाने का काम किया जाता है। कुछ दिन पहले ही यहां कंप्यूटर सिस्टम लगाया गया था। 17 जनवरी को कार्यालय की टिन शेड काट कर अंदर रखे पावर यूनिट की 4 बैटरी, 1 UPS इन्वर्टर और विद्युत वायर समेत अन्य सामान चोरी हो गया। पुलिस ने मौके का मुआयना कर रिपोर्ट दर्ज की है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।